नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शुक्ला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 3 हफ्ते पहले आइदर पुणे के हम 5 PhD स्टूडेंट्स ने मिलकर ये YouTube चैनल शुरू किया और हमने हर हफ्ते के 5 दिन एक पर्सन ने अपना एक वीडियो अपलोड किया और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे और मेरे दोस्तों के पुराने वीडियोज़ को देखें, उन्हें लाइक करें, उन पर कमेंट करें अगर आपके पास कोई सजेशन है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। धन्यवाद। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो उसे जाके देखिए, उसमें मैं हमारे इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने के मोटिवेशन के बारे में डिटेल में बात करता हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे पैशन के बारे में। मेरा पैशन है फिज़िक्स पढ़ाने का। तो इस हफ्ते मेरा पैशन फॉलो करते करते मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज इवनिंग है, आज सैटरडे है। आज सुबह में उठा तो आज मेरी क्लास होती है, टीचिंग ड्यूटी होती है, मुझे पुणे यूनिवर्सिटी जाना होता है पढ़ाने के लिए। मैंने स्टूडेंट्स को अनाउंस किया था क्लास खैर, मुझे फिज़िक्स पढ़ाना पसंद है। मुझे स्कूल के टाइम से ही फिज़िक्स एज अ सब्जेक्ट भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि हम फिज़िक्स यूज़ करके अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं, आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। किसी ने क्या सर सी वी रमन ने जब सवाल पूछा कि पानी नीला क्यों है, तब एज अ रिसर्चर उन्होंने उसको गहराई में उसको जानने की कोशिश किया एंड उसको जानते जानते समझने की कोशिश करते करते फाइनली उनको फिज़िक्स की दुनिया में जो सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, नोबेल प्राइज़, वो मिला। खैर, एक रिसर्चर एक कोई भी सवाल लेके उसको गहराई में जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं भी एज अ रिसर्चर ऐसा ही कुछ काम कर रहा हूँ। बहरहाल, टीचिंग और फिज़िक्स पढ़ने में काफ़ी थोड़ा अंतर होता है। पढ़ने में जितना मज़ा आता है, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आता है, पर कभी 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 गलतियाँ हो जाती हैं, पर उन गलतियों से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, इनफैक्ट काफ़ी कुछ, बहुत मेजर डेवलपमेंट इंसान का उसकी गलतियों से सीख कर होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा इस वीक का ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जैसा भी है पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचें। तो क्या है, जैसे स्त्री मूवी में ये कहता है, विजय राव कहता है कि किताब में लिखता है कि चंदेरी गांव में विद्या का इतना अभाव था कि लोग चांद को सच में मामा समझते थे। तो मुझे लगता है कि एक साइंटिस्ट के जीवन के बारे में एक, मतलब लोग कहानियां तो लिख रहे हैं, लोग मूवीज तो बना रहे हैं, पर एक रिसर्चर क्या करता है सही में, इस ज्ञान का अभी भी देश में बहुत अभाव है, और हम इसी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।